हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा ब्लॉग शुरू होता आज यहाँ से। आप लोग जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो देख रहे हैं फुल वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। आज आप लोग को दिखाता हूँ मेरा एक भूसा और जरना लकड़ी गाँव देहात में रखने के लिए एक फूस का घर तैयार हो रहा। आप लोग को चलिए दिखाता हूँ, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। वैसे तो मैं उस घर के अंदर से ये ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने कैमरामैन नहीं रहता है जिसके कारण मैं दिखा नहीं पाता हूँ आप लोग को। मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से, आप लोग देखिए किस तरह से मेरा घर बन रहा है। चलिए दिखाता हूँ। वेलकम टू माई न्यू हाउस। इसमें गाय का चारा के लिए भूसा रखाएगा, जरना रखाएगा, लकड़ी रखाएगा और साइड में यहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकता हूँ, है ना। और इधर मेरा छत अधूरा है रहने के लिए। अब मेरा जो घर है पुराने वाले उधर गांव में है। ये डेरा है, डेरा पे यहाँ नया वाला मकान बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये अभी पूरा, चलिए दिखाता हूँ। और अंकल हैं उनका देख सकते हो, ये पूरे उजार उजार रखा हुआ है। अभी देख तो इधर से दिखाता हूँ, पूरा भी अधूरा है, इसलिए दिखाता हूँ आप लोग को। आइए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाता हूँ। बुरवा गोसे आ गल देख सकते हो भाई, अंकल को मैंने कुछ बोला नहीं फिर भी गुस्सा आ गए। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब देखिए इधर बहुत काफ़ी सारा धूप है और चलिए जब कंप्लीट होगा सामने आप लोगों को दिखा देंगे, बने रहिए ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। देखिए कितना सारा धूप है। और ये मेरा न्यू वाला घर अभी बनने में कब 3-4 घंटा और लगेगा। और चलिए शाम में आप लोग को दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तब तक बने रहिए, आप लोग को ये ब्लॉग कल देखने के लिए मिलेगा। तो कंटिन्यू बने रहिए, बैक कैमरा से आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार और मेरा न्यू वाला घर। हम लोग गर्मी के टाइम यहाँ आके आराम कर सकते हैं, अच्छा से एडिटिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे। चूँकि वहाँ वाला डेरा में रहता हूँ तो वहाँ बहुत काफ़ी गर्मी पड़ता और यहाँ पर पंखा वंखा सब लगा लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और आप लोग के सपोर्ट प्यार से हम भी अपना घर जल्द से जल्द पक्का मकान बना ले, मेरा छत वाला घर जल्दी से ढाला जा। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली ये मेरा गाय का चारा रखने के लिए और नेहरा रखने के लिए घर कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग को घुमा देता हूँ, इधर देख सकते हो इसके अंदर में रहेगा भूसा। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग में बनने के लिए आप लोग को शुक्रिया। चलिए फिर से मिलते हैं दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग में।